हेलो दोस्तों, ड्रीम्स ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विशिष्ट गुरुत्व के बारे में बताऊंगा। विशिष्ट गुरुत्व, इसका यूज हमने सवालों में बहुत ज़्यादा किया है। इस जी का हमने बीएस से गुणा कर देते थे तो हमें उस फोर्स का वेट पता चल जाता था। तो आज उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी परिभाषा क्या है। तो विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो पदार्थ के इकाई, मतलब जिस भी पदार्थ का आपको निकालना है उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार का अनुपात जल के इकाई आयतन के भार से होता है। इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व उस पदार्थ के इकाई आयतन के भार तथा जल के इकाई आयतन के भार का अनुपात होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो पदार्थ जल से कितना भारी है। ठीक है, यानी अगर जल, एक लीटर आपने जल लिया है, एक लीटर, आप जानते हैं एक लीटर को कितना कहते हैं? अगर एक लीटर आपको बताना हो, एक लीटर का कोई बर्तन बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? पहले ये देख लीजिए, एक लीटर ये आपका हो जाता है 1000 सेमी क्यूब के बराबर। यानी आप 10 × 10 × 10 सेमी का एक बॉक्स बनाएंगे, अगर जिसकी लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई भी 10 सेमी और ऊंचाई भी 10 सेमी, इसका एक क्यूब बनाया आपने। ठीक है, सब 10 है इसमें, 10 10। ठीक है, इसमें सब 10 है, ऊंचाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, चौड़ाई जो इधर ये वाला हिस्सा है ये भी 10 है। ये क्यूब बनाया, इसी को हम कहेंगे एक लीटर का क्यूब है। ये वाली क्यूब, ये एक लीटर की क्यूब है, 10 लंबाई, 10 चौड़ाई, 10 ऊंचाई। तो आपने एक लीटर यानी 100 सेमी क्यूब का एक बर्तन लिया है। अब इसमें क्या किया आपने, उस पदार्थ को डाल करके, उस पदार्थ को डाला जिसका आपको विशिष्ट गुरुत्व पता करना है, उसको इसमें डाल दिया और उसको तराजू से तौल दिया। मान लिया उसका वजन आ गया आपका 3000 ग्राम या 3 किलोग्राम। ये उस पदार्थ का है। ठीक है, अब इसी वाले में, इसी एक लीटर के बर्तन में हमने कहा था इकाई आयतन का भाग, तो इसी वाले बर्तन में हमने जल भर लिया। अब इसी एक लीटर में हमने जल भर लिया और उसका वजन ज्ञात किया तो वो 1 किलो निकला। ठीक है, अब इस पदार्थ के इकाई आयतन का भार 3 किलो, इस पदार्थ के इकाई जल के इकाई आयतन का भार 1 किलो, तो इसका अनुपात हो गया जी बराबर 3/1, जी का मान 3। यानी एक लीटर में, अगर एक लीटर आप पानी ले रहे तो उसका भार 1 किलो था, तो एक लीटर ही पदार्थ लिए तो उसका भार 3 किलो है, यानी वो जल से 3 गुना भारी है। यही तो विशिष्ट गुरुत्व की परिभाषा है कि वो जल से कितना भारी है, जल से कितना गुना भारी है। आप कहेंगे कि इसका यूज क्यों किया जाता है, तो हमने पहले ही बताया था कि उस पदार्थ का, अगर हमें जिस भी पदार्थ का हमें भार ज्ञात करना है उसका सिर्फ हमें विशिष्ट गुरुत्व पता हो और आयतन पता हो, आयतन तो आप माप लेंगे तो उसका भार तुरंत निकल जाएगा, या हमें भार ज्ञात कर लिया हो और विशिष्ट गुरुत्व पता हो तो उसका हम आयतन निकाल लेंगे। और एक पदार्थ ही है उसका हम ले रहे हैं, मतलब ये एकदम ठोस का ही ले रहे हैं सिर्फ, तो ये हमेशा सेम भी रहेगा। ठीक है, उस पदार्थ के लिए, जैसे एक मिट्टी के लिए ले रहे हैं उस मिट्टी के लिए जी का मान हमेशा सेम रहेगा उस खास मिट्टी के लिए। अब दूसरे जगह सैंपल लिए तो उसका मान बदल भी सकता है, एक खास जगह की सैंपल की बात कर रहे हैं, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम बताएंगे आपको कि इसको ज्ञात कैसे करते हैं। ये तरीका तो हमने बता दिया कि आप इसी में लीजिए, इसी में एक लीटर का ये बर्तन बना लिए, इसी में ठोस को भर दिए और इसी में पानी को भर दिए, उसका जी ज्ञात करिए। लेकिन अब इसमें ठोस को आप भरेंगे कैसे, क्योंकि ठोस जो होता है उसमें आपका क्या होता है, थोड़े से रिक्त स्थान होते हैं, थोड़े से जगह उसमें खाली होते हैं। ये जो जगह खाली है इसको आप कितना भी दबाएंगे पूरी तरह से
ये जो आपका जगह है पूरी तरह से नहीं दबता है, ठीक है, तो वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा जगह रह जाता है। तो थोड़ा सा जगह रहने का मतलब इसने ज्यादा आयतन ले लिया है। तो इसमें आप उतने पूरे ठोस को सही तरीके से फिट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम दूसरा विधि अपनाते हैं, पिकनोमीटर विधि, जिससे हम विशिष्ट गुरुत्व निकालते हैं। चलिए बताते कैसे। तो पहले हम पिकनोमीटर विधि का प्रोसेस एक तरह से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक वस्तु है जिसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है, यानी विशिष्ट गुरुत्व पता करना है। इसका भार आपने ले लिया है लगभग, मान लीजिए 50 ग्राम है, इसका भार 50 ग्राम है, और आपने एक टब ले लिया है, ठीक है। इस टब में आपने पूरा लबालब पानी भर दिया इस टब को, और इस टब में जो पानी है उसका भार 100 ग्राम है, ठीक है। ये आपका 50 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है। जब आप इसको इसमें डालेंगे तो ये पूरा टब कितने का हो जाना चाहिए? अगर आप इसको इसमें डाल देंगे तो ये 150, यानी ये इसमें चला गया, तो इस टब का वजन अब 150 ग्राम का हो जाना चाहिए। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। 50 ग्राम का ये था, पानी पूरा टब से में भरा हुआ था, उसका वेट अलग से ज्ञात के लिए 100 ग्राम, इसका 50 ग्राम, दोनों को डाल दिया 150 ग्राम। लेकिन हमने आपको पहले कहा था कि ये लबालब पानी भरा हुआ है। अब जैसे इसमें इस पदार्थ को डालेंगे हम, जैसे ही इसमें प्रवेश करने लगेगा वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये अंदर चला जाएगा तो ये पानी कुछ बाहर गिर जाएगा। अब ये पानी कितना बाहर गिरेगा उसका आयतन इस पदार्थ के आयतन के बराबर होगा, यानी इसका जो आयतन है वो अपने आयतन के बराबर ही पानी को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो अगर हमको इस स्थिति में कहना हो कोई विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करिए, तो हम क्या कर लेंगे कि ये ठोस का भार 50 ग्राम है, और हमने कह दिया कि यही आयतन मतलब पदार्थ कितना पानी बाहर निकाला, क्योंकि ये अपने आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकाला है। तो जो पानी बाहर गिरा है उसको हम किसी बर्तन में रोक करके उसका वेट ज्ञात कर लें, तो वो वेट ज्ञात हो जाएगा। मान लिया वो वेट 20 ग्राम है, तो यहां से हमारा जी का माना गया 2.5, इतना समझ गए। लेकिन हम क्या किए कि ये जो बाहर पानी गिरा है उसका वेट हमें ज्ञात ही नहीं करना, मन ही नहीं है उसको ज्ञात करने का, हमको सिंपल तरीके से ज्ञात करना है। बाहर का पानी गिरा है, कुछ इसमें लगा होगा, एक अच्छे तरीके से वो ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे हमको सिर्फ ये बर्तन देखना है, बाहर का पानी जो गिरा है उसको भूल जाना है, नहीं तो उसको तौल लेते तो तुरंत आ जाता। अब हम क्या करेंगे, अब कौन सा दिमाग लगाएंगे हम? अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि जैसे होना चाहिए था 150 ग्राम, लेकिन जब हमने इसको इसमें डाला, तो इसका वेट कितना आया? 130 ग्राम। मतलब डालने के बाद जब हमने तौला है पानी गिर चुका होगा, तब इसका वेट 130 ग्राम आया। होना चाहिए था 150 ग्राम पानी और 130 ग्राम आया, यानी 20 ग्राम पानी कम हुआ है। अब ये 20 ग्राम अपने आयतन के हिसाब से तो पानी बाहर निकाला है, तो जो बाहर निकला है 20 ग्राम पानी वही तो हमें चाहिए था, क्योंकि ये इसकी जो आयतन है उतने ही आयतन का पानी ये बाहर निकाला है। तो हमने परिभाषा में भी कहा था कि पदार्थ के इकाई आयतन पर उसका भार और जल का भार उसी आयतन पर, तो वो अपने आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकाला है। कितना निकाला है? ये 150 ग्राम होना चाहिए था, 130 ग्राम है, यानी 20 ग्राम पानी बाहर निकाला है, यानी ये 150 माइनस 130 बराबर ये 50 ग्राम है ऊपर वाला, तो ये 50/20 यानी 2.5, ठीक है। अब समझ गए होंगे विशिष्ट गुरुत्व निकालने के लिए हमने क्या किया, पदार्थ को लिया
पानी से भरा तब लिया, उसका वेट ज्ञात कर लिया दोनों का वेट, पानी में उसको डाल दिया। अब हमारा वेट होना चाहिए था 100-150 ग्राम पूरा, अगर पानी ना गिरता तो। अब हम जानते हैं कि टब में पानी पूरा लबालब भरा था तो इसलिए टब से पानी गिर गया। तो हमने ज्ञात कर लिया कि टब से पानी गिरने के बाद उसका वेट 130 ग्राम है और होना चाहिए था 150 ग्राम, यानी 20 ग्राम पानी बाहर गिर गया है। वो पानी उसी आयतन का है जिस आयतन के पदार्थ है, क्योंकि अपने आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकला है। तो इस हिसाब से उस पदार्थ का भार बटे जो पानी बाहर गिरा उसका वेट हमने कर लिया और ये हमारा विशिष्ट गुरुत्व आ गया। पिग्नोमीटर विधि में सेम तरीका अपनाते हैं, बस पिग्नोमीटर का आकार स्थित दूसरे तरह से होता है। ये आपका आकार इस तरह से होता है, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें हमने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि तरीका यही है, बस थोड़ा सा प्रोसेस अंदर अलग है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये पिग्नोमीटर होता है, अब इसको हमने इस तरह से दिखा दिया है। खाली पिग्नोमीटर, उसका भार हमने W1 ले लिया, ठीक है। प्रयोगशाला में हमें ज्ञात करना है तो हमने खाली पिग्नोमीटर को पहले वेट तौल लिया, फिर उसमें मिट्टी डाला, मृदा प्रदर्श डाला और उसका वेट तौल लिया W2। अब कह दे मृदा प्रदर्श का वेट क्या होगा, तो ये W2 माइनस W1 ये ठोस मिट्टी का वेट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, उससे पहले ये जो मृदा प्रदर्श लिया था उसको हमने सुखा कर लिया था, क्योंकि हम WS को देख रहे हैं, WS यानी सॉलिड, और सॉलिड तभी होगा जब उसमें से पानी खत्म हो जाए। तो वेट लेने से पहले हमने उसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक भट्टी में सुखा दिया था, ठीक है। तो ये ठोस का वेट W2 माइनस W1 हमने ज्ञात कर लिया, जल है ही नहीं इसमें। फिर क्या किया, इस वाले में पूरा पानी भर दिया। अब इसका वेट, पानी का वेट ज्ञात करना हो तो ये भी W3 माइनस W1 यानी बर्तन के वेट में से घटा दिया, इसी तरह इसमें भी घटाए थे। अब हमने क्या किया, इस मिट्टी को उठाया, ये जो W2 माइनस W1 है इस मिट्टी को इसमें डाल दिया। जब इसमें हमने डाल दिया तो इसका वेट कितना होना चाहिए, ये वेट होना चाहिए W2 माइनस W1 प्लस W3 माइनस W1, समझ रहे होंगे। इसका वेट है W2 माइनस W1 और इस पानी का वेट, सिर्फ पानी का वेट, बर्तन को दोनों में से घटा दिया हमने, W1 दोनों में से घटाया, तो सिर्फ पानी का वेट और इस ठोस का वेट होना चाहिए W2 माइनस W1 प्लस W3 माइनस W1, ठीक है। तो इसको हमने दोनों को डाल दिया है तो इन दोनों का वेट होना चाहिए, इतना होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हमने इस बर्तन को देखिए डाट डाट में बढ़ा दिया कि इतना होना चाहिए, लेकिन यही पानी गिर गया है, यही पानी दिख नहीं रहा है। और ये एक्चुअल वेट इसका ये आ रहा है, इस ठोस का वेट और इस ये वाला वेट, ठीक है, इतना ही हमको आ रहा है। ये और ये, इसका मान W4 तौलने पे आया, उसको W1 में से घटा दिए बर्तन का वेट, तो ये वेट आ गया। अब हम कहें कि कितना पानी बाहर गिरा है इसको आप बताइए, तो आपने कह दिया कि इतना वेट तो होना चाहिए था और वेट हुआ इतना, तो इतना माइनस इतना बराबर ही जो बचा है जल, मतलब जो जल बाहर गिरा है उसका वेट हमने उसका वेट निकाल लिया, यानी W2 माइनस W1 प्लस W3 माइनस W1 माइनस W4 माइनस W1। अभी जो जल बाहर गिरा था ये इसके आयतन के बराबर ही बाहर गिरा था, ये हमने पहले भी बता दिया है। तो ये जी का परिभाषा के हिसाब से देखेंगे तो ठोस का वेट W2 माइनस W1 और जो जल बाहर गिरा है उसका वेट ये हो गया। मिटा के इसको लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। तो जी बराबर W2 माइनस W1 बटे बाहर गिरा वेट W2 माइनस W1 यानी ठोस का वेट प्लस पानी का वेट, इतना वेट होना चाहिए था लेकिन हुआ कितना, माइनस
डब्लू फोर माइनस डब्लू वन इतना हुआ, तो ये कितना आएगा। अभी इस डब्लू टू माइनस डब्लू वन को हम डब्लू एस सी लिख दे रहे हैं, अब थोड़ा छोटा पड़िए। अभी इस डब्लू टू माइनस डब्लू वन प्लस डब्लू थ्री माइनस डब्लू वन माइनस डब्लू फोर प्लस डब्लू वन, एक डब्लू वन से एक डब्लू वन कटा, ठीक है, काट दे रहे हैं हम, ठीक। तो ये डब्लू फोर अब यहाँ पे आ गया, तो ये फार्मूला बन रहा है डब्लू टू माइनस डब्लू वन प्लस डब्लू थ्री माइनस डब्लू फोर। अगर ये हम कर ले तो हमें जी का मान पता हो जाएगा। पिकनोमीटर में भी सेम सूत्र को अपनाएंगे, ये डब्लू टू माइनस डब्लू वन ही रहने देते हैं, ठीक है। इस डब्लू टू में से डब्लू वन को घटा लेंगे, फिर डब्लू टू में से डब्लू वन प्लस डब्लू थ्री माइनस डब्लू फोर, ठीक है। या अगर यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन ले ले तो ये डब्लू फोर माइनस डब्लू थ्री हो जाएगा, यानी डब्लू फोर माइनस डब्लू थ्री ये कर दे और ये डब्लू टू माइनस डब्लू वन कर दे, तो इस हिसाब से जी का मान हमारा पिकनोमीटर विधि से आ जाएगा। चलिए इसका एक सवाल देख लेते हैं, सवाल आपके स्क्रीन पर होगा। प्रयोगशाला में पिकनोमीटर विधि से विशिष्ट गुरुत्व निकालने के लिए निम्न प्रेक्षण किए गए। पिकनोमीटर का भार ये 380 ग्राम है, पिकनोमीटर का भार प्लस शुष्क मृदा का भार ये 660 ग्राम है, ठीक है, यानी पिकनोमीटर प्लस ये मृदा इसका भार है, तो ये 660 माइनस 380 ये आपका हो जाएगा 280 ग्राम, ये हो जाएगा सिर्फ ठोस का भार। अब हम कह रहे हैं कि पिकनोमीटर प्लस जल का भार 1099 ग्राम, पिकनोमीटर प्लस जल का भार ये 1099 ग्राम है, इसको भी हमने 380 में से घटा लिया तो ये जल का भार आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब आगे कह रहे हैं पिकनोमीटर प्लस शुष्क मृदा प्लस जल का भार 1273 ग्राम, यानी पिकनोमीटर प्लस शुष्क मृदा प्लस जल का भार 1273 ग्राम। तो अगर हम कहें आपसे ये 1273 ग्राम है तो यानी इसका भार कितना होगा, तो ये भी 1273 माइनस 380 होगा, 1273 माइनस 380 बराबर 893 ग्राम। सब में से हमने पिकनोमीटर का भार ये घटा दिया, सब में से 660 माइनस 380 किया, फिर 1099 माइनस 380 किया, ठीक है, ये सब कर लिया। अब हमारा हमने कहा था कि हमको गिरे हुए पानी का वेट ज्ञात करना है, तो पहले ज्ञात कर लेंगे कितना वेट होना चाहिए था। ये 719 ग्राम पानी का वेट है, 280 ग्राम ठोस का वेट। अगर इस ठोस पानी नहीं गिरा होता तो इसका वेट 719 प्लस 280 इतना होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये जो जितना डॉटेड है इतना होना चाहिए था, लेकिन ये डॉटेड वाला हिस्सा हुआ नहीं है, हुआ सिर्फ इतना ही है 893 ग्राम, ठीक है, हुआ ये वाला है। तो बचा कितना, ये वाला बचा, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, इतना पूरा होना चाहिए था अगर पानी ना गिरता तो। अब गिरे हुए पानी का भी वेट हमें ज्ञात करना था, तो 719 प्लस 280 माइनस 893 ये आ गया आपका 106 ग्राम। इतना पानी इस ठोस ने अपने आयतन के कारण गिराया है। तो हमने कहा था जी का होता है
उसी आयतन पे ठोस का भार, उसी आयतन पे जल का भार। तो उसी आयतन पे ठोस का भार 280 ग्राम है, ठीक है, आयतन सेम, और यही अपने आयतन के बराबर पानी गिराया है, तो कितना पानी गिराया है, 106 ग्राम, ठीक है। तो ये आ गया 280 भागे 106 बराबर 2.64 ग्राम। चित्र की सहायता से हमने ये भी आपको समझा दिया। इसके अलावा एक चीज जी के बारे में कि जी का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये दोनों भार है, ठोस का भार और जल का भार, तो ये दोनों मात्रक कट जाते हैं, तो जी का कोई मात्रक नहीं होता है। और जी का मान जितना ज्यादा आता रहेगा वो उतना पदार्थ उतना अधिक सामर्थ्यवान होता रहेगा।